पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह के बयान ने शिक्षा मित्रों को आहत कर दिया है और शिक्षा मित्र उनके इस बयान को लेकर भड़क गए हैं। हुआ ये कि समीर सिंह जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, वो एक टीवी चैनल पर बैठकर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो हाईकोर्ट का आदेश आया है उसी के बारे में बात कर रहे थे और बोलते बोलते उन्होंने शिक्षा मित्रों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने शिक्षा मित्रों को हाई स्कूल फेल बता दिया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानों को शिक्षा मित्रों को बनाने का अधिकार दे दिया। बेसिक शिक्षा के स्कूलों में कोई हाई स्कूल फेल है? पता चला कि वहाँ मेरिटोरियस लड़की पढ़ा रही है और हाई स्कूल फेल भी वहाँ शिक्षक के नाते काम कर रहे हैं। सबको बेसिक शिक्षा चयन बोर्ड ना ही वो विभाग अपनी नियुक्ति करता था, उसी का परिणाम था कि मुलायम सिंह यादव ने प्रधानों को शिक्षा मित्र बनाने की अधिकार दे दिया। कोई हाई स्कूल फेल है वो बेसिक शिक्षा के स्कूल में, पता चला वहाँ मेरिटोरियस लड़की भी पढ़ा रही है और हाई स्कूल फेल भी वहाँ शिक्षक के नाते काम कर रही है। उनके इस बयान को शिक्षा मित्रों ने आड़े हाथों लिया है। शिक्षा मित्र नेता त्रिभुवन सिंह ने उनके इस बयान पर लिखा कि बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह जी, आप एक नंबर के बुद्धिहीन व्यक्ति हैं। जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की तीसरी पुण्यतिथि को भाजपा हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मनाने जा रही है, आपको याद होगा कि प्रदेश में शिक्षा मित्र रूपी पौधे को पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह ने लगाया था। उस समय शिक्षक की योग्यता इंटर थी व देश व प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थानों की कमी से शिक्षकों की उपलब्धता ना होने के बराबर थी। समय के साथ साथ योग्यता में परिवर्तन होता गया। वर्तमान में कोई भी शिक्षा मित्र इंटर पास नहीं है, सभी शिक्षा मित्र प्रशिक्षित यानी दूरस्थ बीटीसी के माध्यम से प्रशिक्षित हैं। वहीं आपकी संकीर्ण सोच और 1,00,000 से अधिक हिंदुओं के खिलाफ है। आपको मर्यादा में रहकर के टिप्पणी करनी चाहिए थी। यह अपमान सीधे तौर पर कल्याण सिंह का है जिसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है और आपने अपनी ही पार्टी का अपमान किया है। आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए। तो ये शिक्षक शिक्षा मित्र नेता त्रिभुवन सिंह ने शिक्षा मित्रों के खिलाफ दिए गए बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर समीर सिंह के बयान पर अपना आक्रोश जताया है और बताया है कि आपको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। शिक्षा मित्र हाई स्कूल फेल नहीं है बल्कि वो दूरस्थ बीटीसी के माध्यम से प्रशिक्षित है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता के इस बयान के बाद शिक्षा मित्रों में भारी आक्रोश है और शिक्षा मित्रों ने बीजेपी प्रवक्ता के इस बयान का विरोध दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएस नाउ।